तो ये आपका प्री का बैच चला या फिर मेंस का? नहीं, दृष्टि में ये है कि आप प्री और मेंस दोनों साथ में पढ़ाते हैं वहाँ पर साथ में, ये नहीं कि मतलब आप प्री एक बार में पढ़ लीजिए उसके कुछ टाइम बाद। जैसे जीएस लेंगे आप तो जीएस पूरा 1 2 3 4 पूरा पूरा पढ़ाएंगे आप। तो आपने ऑप्शनल क्या सब्जेक्ट रखा? ऑप्शनल हमारा हिंदी लिटरेचर है। कोचिंग के बारे में आप हमें और चीजें बताइए, क्योंकि और भी लोग जो है जानना चाहते हैं कि टेस्ट वगैरह या फिर क्या चीजें आपको फैकल्टी वहाँ कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। देखिए, कोचिंग की तरफ से पूरा मतलब कि फीस तो महंगी लेते हैं, इसके साथ ही साथ क्वालिटी भी देते हैं। और जो हमारा टेस्ट होता है, ये जैसे हमारा सब्जेक्ट चलता रहता है, पढ़ाते रहते हैं, तो बीच बीच में ये होता है कि आखिरी में 10 मिनट का टाइम लेकर, मतलब जैसे प्री के क्वेश्चन दे दिए आपको ऑप्शनल टाइप में, तो उसका टेस्ट मान लो दूसरे तीसरे दिन ऐसे भी कराते रहते हैं। और हर संडे या फिर एक संडे छोड़ के 10-15 दिन के बाद में ऐसे भी मेंस का टेस्ट कराते रहते हैं। और यहाँ घर पर भी आंसर राइटिंग कराते रहते हैं। तो मतलब आप आंसर राइटिंग, जैसे कोई सब्जेक्ट चल रहा है उसका आंसर राइटिंग आप घर पर बैठ कर सकते हैं, उसको आप अगले दिन सबमिट कर सकते हैं, वो आपको 2-3 दिन बाद चेक होकर आपको मिल जाएगा। और जैसा भी आपको सुझाव रहेगा कि आपने कहाँ पर गलतियाँ की हैं, कहाँ पर अच्छाई मतलब अच्छा लिखा है, कहाँ पर आपको सुधारने की जरूरत है, तो ये सब आपका कोचिंग वाले मतलब दिशा निर्देश उसी पर लिख देते हैं, तो आप अपना और उसको बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है या फिर ऑफलाइन? दोनों सुविधा इस समय ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दृष्टि वाले दे रखे हैं। जितने दृष्टि वाले इस समय ये व्यवस्था रखे हैं कि जितने बच्चों का एडमिशन कोविड के दौरान हो रहा है उनको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध करा दें। अब जैसे हमारी बात करें तो जो सुबह हम क्लास करके आते हैं उसको आपको ऑनलाइन भी सुविधा दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई बच्चा है, कोविड है, यहाँ पर उसको रहने में असुविधा हो रही है, घर पर रह रहा है, तो मतलब कोचिंग वाले ये सोचते हैं कि उसको क्लासेस उसकी छूट ना पाएं, इसलिए उसको ऑनलाइन सुविधा भी देते हैं और अपने घर पर भी यथा समय निकाल कर उसके अकाउंट में वीडियो पड़ जाता है और वो समय निकाल के अपना वीडियो कर सकता है। वो सारी चीज़ें जब भी चाहे वो चीज़ें देख सकता है, जब वो चाहे उस देख सकता है वीडियो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कोविड जब से लगा था तो ये हुआ है कि मतलब छूटे ना, इसके लिए जैसे हमारी यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, कोविड जैसे बढ़ने लगा, फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, आशंका है कि थर्ड वेव आई, तो हमारी इच्छा यहाँ पर नहीं रहने की है, घर वाले हमको वहाँ बुला लिए, चलो ठीक है हम अपना मोबाइल से अपना कर लेंगे, तो ये सुविधा रहती है इस समय। तो अभी जो है आप आंसर राइटिंग करते हैं? हाँ, आंसर राइटिंग हम पर डे करते हैं। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा जो है हमारे व्यूअर्स को दिखाइए आप किस तरीके से जो है आंसर राइटिंग करते हैं। जैसे कि ये हमारा आंसर राइटिंग है, ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस समय हमारा पॉलिटी चल रहा है, तो पॉलिटी में ये हमारा आंसर राइटिंग करने का तरीका होता है। अपना एक पेपर देते हैं और पेपर में वैसे भी जानते हैं आप 200 से 250 मतलब 150 नंबर मतलब 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, 250 शब्दों में ऐसे आपको क्वेश्चन लिखना रहता है। तो अपना ये अपना पेपर देते हैं कोचिंग वाले और उसी में आपको दिखाना रहता करके। ये इसमें पूरा एक क्वेश्चन है? हाँ, एक क्वेश्चन है। सुझाव जो होता है वो जो है इनको दिया जाता है कि हाँ क्या गलती आपसे यहाँ पर हुई, आपको क्या चीज़ें सही करना चाहिए। तो भैया आप हमें ये बताइए कि अभी आप प्रयागराज में हैं, तो जो दिल्ली की टीम है IAS की, तो यहाँ पर क्लासेस लेने कुछ आती है या फिर ऑनलाइन वगैरह कुछ प्रोवाइड करते हैं? ऐसा होता है, देखिए दिल्ली की दृष्टि में और यहाँ की दृष्टि में थोड़ा तो अंतर है ही है, लेकिन ये होता है कि दिल्ली में थोड़ा अच्छे टीचर हैं, यहाँ पर थोड़ा मतलब टीचर तो सब ठीक रहते हैं, लेकिन ये है कि जैसे दिल्ली में कोई दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर कोई दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में दिल्ली वाले टीचर यहाँ नहीं आते हैं, आते भी हैं। जैसे कोई कोई सब्जेक्ट ले ले तो मतलब जैसे 4-5 सब्जेक्ट हैं जिसमें से जैसे 2-3 सर हैं तो हमको यहाँ प्रयागराज के मतलब दृष्टि के लिए अलग हैं और दिल्ली के लिए अलग हैं, तो वो यहाँ नहीं आ पाते हैं। वैसे आते भी हैं, दिल्ली से भी पढ़ाने आते हैं, जैसे इस समय हमारा पॉलिटी चल रहा है तो पॉलिटी वाले साथ दिल्ली में भी पढ़ाते हैं और हमको भी यहाँ पर इस समय वो यहाँ पर हैं, तो इस समय हम लोगों को वो पढ़ा रहे हैं दिल्ली के टीचर भी। तो आपका जो ऑप्शनल है वो तो हिंदी है, तो विकास सर का भी सब्जेक्ट हिंदी है, तो वो जो है क्लासेज यहाँ प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई दूसरा टीचर यहाँ पे? नहीं नहीं, विकास सर इस समय ये हुआ है कि उन्होंने 6-7 साल हो गए पढ़ाना छोड़ दिया है, तो उसको रिकॉर्ड करवा लेते हैं बाकायदा अच्छी क्वालिटी के कैमरा से, जिससे कि स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। और उस तरह से हमारी क्लासेस वीडियो क्लासेस चलती हैं, तो हिंदी लिटरेचर में और हमारी वीडियो क्लासेस चलती हैं। उसमें ये होता है कि क्लासेस में जैसे वीडियो क्लास चल रही है हमारी, तो उसमें 3-4 लोग मतलब टीचर जो है मतलब हिंदी लिटरेचर का जो अच्छा नॉलेज रखते हैं वो मतलब बीच बीच में टहलते रहते हैं, पॉज करके लड़कों से पूछते भी रहते हैं कैसे कैसे, मतलब कोई अगर दिक्कत हो तो आप अपना तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिए आंसर राइटिंग के लिए भी तुरंत कॉपी चेक हो जाती है, सबमिट कर सकते हैं। विकास सर तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी विकास सर आते रहते हैं 20-25 दिन में, महीने में, 15 दिन में, जब उनको टाइम मिलता है तो 2-4 दिन के लिए प्रयागराज आते रहते हैं और हम लोगों से मिलते भी रहते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको हम बताते भी हैं कि सर ये दिक्कत है, तो उसका उचित समाधान भी किया जाता है, तो विकास सर आते रहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि वीडियो क्लासेस मतलब विकास सर नहीं पढ़ाते हैं, तो वैसे भी वो नहीं पढ़ाते हैं, तो उनकी वीडियो क्लासेस चलती हैं, लेकिन पूरी
पूरा ध्यान दिया जाता है कि लड़कों को कोई दिक्कत ना हो। तो और हिंदी लिटरेचर का यह होता है कि जैसे वीडियो क्लासेस वहाँ पर चल रहा है और हमारे मोबाइल पर भी हमारी हिंदी लिटरेचर की सारी क्लासेस उपलब्ध कराई गई हैं कि अगर वहाँ पढ़ना समझ में आए तो आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो, ऐसा होता है। तो शायद विकास सर दिल्ली में भी नहीं पढ़ाते हैं? नहीं, दिल्ली में भी नहीं पढ़ाते, यही तो बात है। जैसे हम लोग कहें कि सर आप यहाँ नहीं पढ़ाते हैं तो सर ने कहेंगे हम कहीं नहीं पढ़ाते हैं भाई, वैसे मतलब क्वालिटी मतलब कैमरे से रिकॉर्ड कर लेते हैं और अच्छे से तरीके से उसको वीडियो क्लासेस दिखाया जाता है। हिंदी लिटरेचर आप अगर ऑप्शनल अपना लेंगे तो आपको वीडियो क्लास ही करना पड़ेगा।